नमस्कार, मैं हूं सौम्य मराठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। चिराग पासवान पर आया मुसीबतों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ऐसी चीजें होती जा रही है जो राजनीति से उनकी पकड़ फिसलने पर मजबूर कर दे रही है और अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। ठीक सुना आपने कि लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब अपनी पार्टी को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कोशिशें जो चिराग गुट है, जब लोजपा दो गुटों में बटी थी तो अब ये कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान के गुट को भी पशुपति कुमार पारस की तरफ कर लिया जाए और इसके लिए पशुपति कुमार पारस की तरफ से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही हर प्रदेश के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने वाले हैं और नई नीतियों के बारे में चयन करने वाले हैं, नई नीतियाँ बनाने वाले हैं कि किस किस तरीके से लोजपा अन्य प्रदेशों में भी काम करेगी। और इतना ही नहीं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द पशुपति कुमार पारस अन्य प्रदेश के नेताओं में नए नेताओं को लोजपा की जिम्मेदारी दे सकते हैं, यानी कि हम लोजपा में हर प्रदेश में अब नए चेहरों को लीड करते हुए देख पाएंगे। बता दें कि इसके लिए अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अब संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं। जल्द ही वह सभी प्रदेशों में संगठन को नया रूप देने वाले हैं। संभव है कि इस दौरान वो कई प्रदेशों की कमान नए नेताओं को दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी प्रदेश से आने वाले पार्टी नेताओं से विमर्श करना भी शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि पशुपति कुमार पारस अतिशीघ्र देश के सभी प्रदेशों में नए प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। रोज मिलने आने वाले देश भर के नेताओं से बात के दौरान वह लोजपा के संगठन को और भी मजबूत करने पर बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की विचारधारा को लेकर पूरे देश में पार्टी के संगठन का कार्यक्रम एवं सदस्यता अभियान चलाने पर जोर दिया है। बुधवार को भी उन्होंने कई प्रदेशों के अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं से बातचीत की। अग्रवाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई देने भी हर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। लोजपा में इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है उससे बिहार की राजनीति का रुख काफी बदला सा नजर आ रहा है। चिराग पासवान को उनके पिताजी की पार्टी से ही बेदखल कर दिया गया है और अब वो बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए राजद का साथ भी दे सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस की लोजपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की जो कोशिश है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लोजपा की कार्यशैली बदलने की, उसे बेहतर बनाने की कोशिश है, उसे चिराग पासवान को कितना बड़ा झटका लग सकता है। और यह भी देखना होगा कि अब तक चिराग पासवान के समर्थक जो बने हुए थे लोजपा के लोग, क्या वो भी पशुपति कुमार पारस की तरफ चले जाएंगे? क्या पशुपति कुमार पारस की जो कोशिशें हो रही है वो चिराग पासवान के समर्थकों के गुट को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो पाएगी? इन सब चीजों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और ऐसी अन्य खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इसे आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।